फोर्स ऑन साइड वॉल्स ऑफ अ रैंडम शेप्ड वेसल। और रैंडम शेप क्यों? आपको ये रैंडम थोड़ी ना है। हाँ तो ये रैंडम नहीं है, ये तो रैंडम है। तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी शेप दे दो आप मेरे को, मैं तब भी आंसर निकाल दूंगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन है, इस कंटेनर में लिक्विड है, वाटर है, बाल्टी में पानी है, और क्वेश्चन है कि ये जो पानी इस दीवार पे, ये जो कोने की दीवारें देख रहे हो, बाल्टी की वॉल्स देख रहे हो, इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगी ये बताओ। अब देखो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स कैसे है? पहले मैंने ऐसे सोचा कि फोर्स निकालनी है, निकाल लेते हैं, प्रेशर इंटू एरिया कर देते हैं। अब प्रेशर की कहानी समझो, यहाँ पे प्रेशर टॉप के लिक्विड पे, अगर लिक्विड यहाँ तक है तो टॉप के पॉइंट पर प्रेशर है एटमोस्फेरिक सिर्फ, लिक्विड का तो प्रेशर ही नहीं है। मैं जैसे जैसे नीचे आऊँगा एच रो जी, हर पॉइंट पर प्रेशर वेरी करेगा। अब अगर हर पॉइंट पर प्रेशर वेरी करेगा तो एक तरीका है मैं इंटीग्रेट करूँ और मैं फिर वहाँ से टोटल जो है फोर्स की वैल्यू निकालूँ। ये बड़ा लंबा काम है, और चलो मैं ये कर भी देता इंटीग्रेशन, मैं ये इंटीग्रेशन कर भी देता, लेकिन शेप तो प्रॉपर हो। कल को तुम्हारा क्या है, तुम तो उठा के अपनी बाल्टी टेढ़ी मेढ़ी कर लोगे। अब मैं कहाँ से इंटीग्रेशन करूँगा इस पॉइंट की? तो एरिया ये तो फिर भी अच्छा है, हो सकता है बिल्कुल ही रैंडम कर दो, अब मैं कहाँ से इंटीग्रेशन करूँगा, ये हो नहीं पाएगी। इसका बहुत ही सही तरीका निकाला, जिससे निकाला, देखो कैसे निकाला। आप इमेजिन करें कि कोई भी एक पॉइंट है, ये रहा, ये एक बकेट का पॉइंट है, एक बाल्टी का पॉइंट है, इसके ऊपर पानी के पार्टिकल्स क्या लगा रहे हैं? फोर्सेस लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? इसके पड़ोस के पार्टिकल में, यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम थोड़ा सा, ऐसा वैसल है ये, मैं ये एक पार्टिकल ले रहा हूँ, ये रहा, ये बकेट का पार्टिकल है, और इस पे जो पड़ोस के पानी के पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो जो दिखा रहा हूँ, पता नहीं ऐसे इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मुझे खुद नहीं पता कितने पार्टिकल्स हैं। पड़ोस के पार्टिकल्स इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्सेस लगा रहे हैं, और हर तरफ लगा रहे हैं, देख रहे हो, हर तरफ लगा रहे हैं। तो इस बकेट के पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, और ऑब्वियसली मेरे को यही तो निकालनी है कि, और मेरे को सिर्फ एक पॉइंट की फोर्स ही निकालनी है, मेरे को तो पूरे के पूरे कंटेनर के वॉल्स के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो इस केस में इस बकेट के पॉइंट के ऊपर पड़ोस के पानी के पार्टिकल फोर्सेस लगा रहे हैं, ये तो एन नंबर ऑफ फोर्सेस हैं। तो लेकिन मुझे इतना पता है, हमने लास्ट टाइम पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, इन सब का वेक्टर सम जो आएगा वो क्या आएगा? इस बकेट के 90 डिग्री पे आएगा, बात खत्म। सही है, 90 डिग्री पे आएगा, ये तो हमने डिस्कशन की हुई है। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो मैं एन नंबर ऑफ वेक्टर्स में काम नहीं करूंगा, मैं एक वेक्टर में काम करूंगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर भी फोर्स लग रही है, यहां पर भी 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 लग रही है, यहां पे भी लग रही है, और यहां पे भी हर तरफ लग रही है। कोई डाउट इसमें? ठीक, मुझे इन सब का नेट फोर्स निकालना है। अब और भी कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो एक भी फोर्स की वैल्यू पता नहीं, और मेरे को तो सारी फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है, और वेक्टर सम फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी निकालनी बड़ी मुश्किल है। तो मैंने क्या टेक्निक बनाई? टेक्निक ये बनाई कि अगर आपके ये बहुत सारे पार्टिकल इसके ऊपर यहां नेट फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पानी का, ये जो बकेट का पार्टिकल है, ये भी तो पानी के ऊपर फोर्स लगाता होगा, या उल्टा बोलो कि एक्शन लग रहा है, पानी के पार्टिकल जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन है, तो फिर बकेट का पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा उसकी नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ व्हाट? 90 डिग्री। अब चाहे मैं ये एफ फोर्स निकाल दूं, चाहे मैं एन फोर्स निकाल दूं, बात तो एक ही है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फोर्स की जगह ये फोर्स निकाल देता हूं, आपकी बात बन जाएगी, एक ही बात है। तो इसलिए आप चेक करें, आप डायग्राम में चेक करें, मैंने अपना डायग्राम बाहर की तरफ नहीं बनाया, जबकि निकालना मेरे को ये है, मैंने कहा बनाया अंदर के वेक्टर्स पे काम किया, क्योंकि बात तो एक ही है। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स बना लो, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। पानी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे दिख रहा है आपको, मूव तो नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिक्विड की हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को तो भूल ही जाओ, तो हर तरफ से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में क्या करेगी? कैंसिल। वर्टिकल फोर्स क्या आएगी? इस वेक्टर का सम, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, प्लस इस वेक्टर का सम,
प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं उनके उनके हम क्या करेंगे, वेक्टर सम लेंगे। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कैसे, सिग्मा एन वी। सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, सिग्मा एन वी। पानी का अपना वेट कितना है, एम जी, और ये लिक्विड फ्लोर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अपना वेट लगा रहा है, तो फ्लोर इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन एक फ्लोर पे लग रहा है जिसकी वैल्यू एन वन है। अब क्योंकि लिक्विड वर्टिकल इक्विलिब्रियम में ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेस्ट पे है, तो फ्री बॉडी डायग्राम से ये बताओ या इन वेक्टर सम से ये बताओ नेट अपवर्ड फोर्स कितनी है, इन सबका वेक्टर सम जिसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एन वी। एक अपवर्ड फोर्स कितनी है, एन वन, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, वेट एम जी। यानी कि सिग्मा एन वी प्लस एन वन इक्वल टू एम जी, सिग्मा एन वी क्या आ गया, एम जी माइनस एन वन। और ग्राउंड पे फ्लोर पे फोर्स क्या लग रही है, फ्लोर का प्रेशर। फ्लोर का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी इंटू फ्लोर का एरिया ए, एच रो जी इंटू एरिया ए। ये मार्क कर लेना आंसर आएगा, वर्टिकल फोर्स बिना इंटीग्रेशन के। सही तरीका है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल करके कैसे वर्टिकल फोर्स का सम से इक्विलिब्रियम के साथ आपने अपना आंसर निकाल दिया। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर कंटेनर ऐसा है, ऐसा है, क्यों होगा, हम लिक्विड का काम कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं N1 में आपने एच रो जी लिया, प्री एटमोस्फेरिक में लिया, हम लिक्विड की वजह से फोर्सेस कर रहे हैं, एटमोस्फेयर की वजह से नहीं कर रहे, तो आप उसको छोड़ दें, सिर्फ लिक्विड का आंसर है। कंटेनर की शेप देख रहे हो ऐसी है, अगर ये कंटेनर की शेप ऐसी होती, अब उल्टा हो गया कैसे, अगेन ये लग नहीं रहा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये रिएक्शन फोर्स अब नीचे की तरफ है, रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ है। इसके दो कंपोनेंट हैं, इसका वेट एम जी है, नॉर्मल रिएक्शन एन वन है, सेम स्टोरी। पर अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल होने के बाद सारी की सारी वर्टिकल फोर्सेस कहाँ बनेंगी, सिग्मा एन वी नीचे। नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर का कहाँ है, ऊपर, वेट कहाँ है, नीचे। अब इक्विलिब्रियम बन गया, इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, एम जी प्लस सिग्मा एन वी इज इक्वल टू एन वन। तो सिग्मा ऑफ एन वी क्या आएगा, ये एन वन इज इक्वल टू एम जी प्लस सिग्मा एन वी, सिग्मा एन वी क्या आएगा, एन वन माइनस एम जी। और एन वन तो पता ही आपको, फ्लोर का प्रेशर क्या है, एच रो जी इंटू एरिया। मान लो एक मिनट के लिए ये भी केस ना आया, आपको ये केस आ गया, रैंडम शेप आ गया। अब रैंडम शेप में क्या प्रॉब्लम है, आधा एरिया ऐसा है, आधा एरिया ऐसा है, मतलब इमेजिन करो इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आधे एरिया में क्या हो रहा है, ये इधर एरिया जा रहा है और आधे में इधर आ रहा है, ऐसे ही है। तब इस केस में क्या करेंगे, अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये जो डायग्राम ऐसा है, इसकी नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ होगी ऐसे, और इसकी नॉर्मल फोर्स कैसे होगी, ऊपर की तरफ होगी ऐसे, नीचे ऊपर, डिपेंड करता है एरिया कहाँ पे है। अब कोई पॉइंट ये भी होगा जिसका नॉर्मल रिएक्शन इधर भी होगा, हाँ डिपेंड करता है। अब ये मैं कह नहीं सकता कि ये एरिया ऊपर का ज़्यादा है या एरिया नीचे का ज़्यादा है, मुझे नहीं मालूम, तो फिर वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा जो भी होगा। पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप फिर से इसकी वर्टिकल फोर्सेस जब कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल, इस ऊपर वाले पोर्शन की वर्टिकल फोर्सेस एन वी कहाँ आएगी, नीचे, और यहाँ पर एन वी की वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर, और वेट क्या है, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन वन। अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है, अब दो केस हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हें वैल्यूज तो पता नहीं, तुम्हें ये तो पता नहीं, क्योंकि इसको ऐड करेंगे सिग्मा एन वी नीचे है, इसको ऐड करेंगे सिग्मा एन वी ऊपर है। अब ऊपर और नीचे में से कोई तो बड़ा कोई तो छोटा होगा, तो अगर कोई बड़ा और कोई छोटा हुआ, इमेजिन कर लेते हैं, पहले केस में सिग्मा एन वी ऊपर है, मतलब इन सबको और इन सबको सब इस, मतलब वर्टिकल फोर्सेज ऊपर और नीचे की माइनस करके आंसर ऊपर की तरफ आता है, तो ये केस बनता है। एन वन तो है ही ऊपर, एम जी नीचे, इक्विलिब्रियम में इन दोनों का सम इज इक्वल टू एम जी, तो वर्टिकल फोर्स इसके इक्वल आ जाएगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिग्मा एन वी जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन डायग्राम कैसा बनेगा। तो अगर सिग्मा एन वी नीचे है, एन वन ऊपर है, एम जी नीचे है, तो एम जी इज इक्वल टू एन वन प्लस सिग्मा एन वी, यहाँ से सिग्मा एन वी की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेना। अब ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ऊपर का एरिया बड़ा है
नीचे का एरिया पड़े, मुझे नहीं पता, जो भी होगा वो पेपर के अंदर देखेंगे। क्या ये पॉइंट लेकिन सबको समझ में आ रहा है वर्टिकल फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करना है? ये थ्रस्ट थोड़ी ना, बार और इस टाइप की प्रॉब्लम तो बहुत बार आई हुई है पेपर में, कंपटीशन में। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसके डायग्राम को देखोगे तो थोड़ा लंबा सा लगेगा, मैं आपको वैसे ही एक लाइन में पूछता हूँ इसका क्वेश्चन बोलना क्या है, इसका आंसर बोलना क्या है। ये लो सपोज, वो ये कहता है कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है ये जो लिक्विड से भरा हुआ है, ये रहा। तो मान लो आपके पास एक कंटेनर से लिक्विड का भरा हुआ है और नीचे वेइंग मशीन लगा रखी है आपने, ठीक। तो कंटेनर है, वेइंग मशीन लगा रखी है, एक पत्थर को बांध दिया थ्रेड के साथ, ठीक है, पानी डाल दिया कंटेनर में, पानी का मास है एम, पानी का वेट क्या है एम जी, आपको बताना है वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी, कंटेनर का कोई वेट नहीं है एम जी, नहीं वो तो हवा में लटक रही है टेंशन, वेइंग मशीन को वायर ने टच तक नहीं किया, पत्थर ने, ओके पर ये तो पत्थर का क्वेश्चन कर दिया, वेइंग मशीन तो पानी तोल रहा है, पत्थर की क्वेश्चन बना बना के क्या करोगे, तोलना तो पानी है, पत्थर तो हवा में लटक रहा है ना, नहीं है पानी के अंदर है पर लटका, तो तुमने हवा दे रहा है ना, वो पूरा जोर तो आपके हाथ पे पड़ रहा है, मतलब पत्थर का वेट और पानी का वेट, एक 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 एक, अच्छा चलो ठीक है मैं मान सकता हूँ कुछ 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 ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसा मानते हैं, सपोज करो, मैं इमेजिन करो, वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पांच एप्पल्स हैं, पांच सेब पड़े हुए थे, कोई तोल रहा था कि वो कहता जी एक किलो सेब हो गए आपके, मैंने ना धागे से एक और सेब लटका दिया छठवां सेब, अब क्या वो तोलेगा सिक्स जो एप्पल है उसका वेट भी काउंट होगा, वो तो मैंने पकड़ा हुआ है ना, और हवा में है, क्यों टेंशन ले रहे हो, उसने फ्लोर पे नहीं रखा वेइंग मशीन के, नहीं होगा, पर क्योंकि यहाँ पर हवा थी, हवा का अपथ्रस्ट नेग्लेक्टेड है, डेंसिटी बहुत पतली है, होता है अपथ्रस्ट एयर का वैसे बता दूँ मैं आपको, लेकिन हम लेते नहीं, मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन पानी है वो, पानी में आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जबरदस्त अपथ्रस्ट है। अब हुआ क्या इसको समझो, कई लोग इसको ऐसे ही समझते हैं जैसे मैं अभी समझा रहा था कि एप्पल की तरह है, एप्पल तो एक हवा में लटक रहा है, उसको काउंट नहीं करना, तो पानी पानी को तोल लेते हैं, पानी का वेट तो एम जी है, पर एक चीज़ समझो इसमें, और कई लोग टेंशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वेइंग मशीन कहती है कि यार मेरे को टेंशन मत समझाओ, क्योंकि टेंशन तो तुम्हारी टेंशन है, वो मेरे को थोड़ा टच किया हो धागे ने, मेरे को तो कुछ कह भी नहीं रही, अगर अब तुम हवा में लेके पकड़ के बैठे हुए हो और वैसे भी थ्रेड तो मास्कलेस है, तुम्हारी टेंशन करेगी क्या, वेट में कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रही, वो तो कॉन्सेप्ट समझो क्या है, वेइंग मशीन मेजर क्या करती है, नॉर्मल रिएक्शन, अपरेंट वेट, ठीक है अपरेंट वेट है जी, वहां का वेट जो मर्जी है, मैथमेटिकली नॉर्मल रिएक्शन, बस वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, यहां तक बात समझ आई, अब देखो अपथ्रस्ट भी नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, मैं अगर पानी में गया,
मैंने आपको इतना आर्गमनीज करा दिया, मैं पानी में गया, ब्लॉक पानी में गया, पानी ने क्या लगाया उसके ऊपर, अब थ्रस्ट। ऐसा भी कभी होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर पानी ने ब्लॉक पे फोर्स लगाई तो ब्लॉक ने पानी पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई। अब थ्रस्ट हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी याद करो इक्वल एंड ऑपोजिट है। लेकिन आपको ये तो पूरा चैप्टर क्लोज होने को आ गया, हमने तो कभी लिया ही नहीं, क्योंकि जब स्विमिंग पूल में जब आप तैरते हैं तुम लगाए जाओ अब थ्रस्ट उसके ऊपर जितना मर्जी, उस पूल को फर्क कहाँ पड़ता है, वो तो वेस्ट भी रहेगा, उसने कौन सा मूव करना है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को तैराते हैं या कोई चीज़ पानी में जा चुकी है तो पानी उसके ऊपर अब थ्रस्ट लगाता है, तो वो पानी के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट अब थ्रस्ट के जितना रिएक्शन नीचे भी लगाती है। आज तक इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आज ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम फ्लोर के ऊपर कुछ मेजर कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, पानी का वेट तो पता ही है नीचे एम जी है, तो अगर इस स्टोन पे वाटर ने अप थ्रस्ट लगाया तो स्टोन ने नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ क्या लगाया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यू के बराबर। अब फ्लोर के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, जो फ्लोर है उसके साथ क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स ऊपर है, वेट पानी का नीचे है, अप थ्रस्ट भी नीचे है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वेट नीचे है और फ्लोर के ऊपर अप थ्रस्ट भी नीचे है। ये अप थ्रस्ट फ्लोर वाला लेना है, ये मत ले लेना, ये क्वेश्चन स्टोन पे तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो फ्लोर पे है। तो तुम फ्लोर के ऊपर फोर्सेस लेना, तो नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम जी प्लस अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट क्या होगा, स्टोन का वॉल्यूम ऑफ स्टोन जो कि गिवन है, अप थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, तो डेंसिटी किसकी आएगी यहां पर, लिक्विड की इनटू जी, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज्यादा आएगा। तो हम सोच रहे हैं पत्थर ऊपर लटकाने से कम आएगा, कम नहीं आएगा, उल्टा ज्यादा आएगा, तो स्टोन भी फ्लोर की तरफ क्या लगा रहा है, अप थ्रस्ट। तो ऐसा कुछ सोचना है अगर ये पेपर में आएगा, आया हुआ है ये बहुत बार, हर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कंटेनर नहीं है, कंटेनर तो वेइंग मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है, कंटेनर तो वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है। डाला नहीं ना, वो फ्लोट भी नहीं कर रहा ना, वो तो धागे से पकड़ के रखा हुआ है, इमर्स्ड है, पर तुमने उसको ऐसे पकड़ के रखा है तो उसका वेट काउंट नहीं हो रहा ना मशीन के ऊपर। हाँ, उसने जो अब थ्रस्ट लगाया बस वो काउंट हो गया, तो वेट नहीं काउंट हो। अगर ये फ्लोर पे पड़ा होता और धागा ना होता तो इसको भी ऐड करना पड़ना था हमें, इसका अपरेंट वेट ऐड हो जाता है इसमें, एक्चुअल नहीं, अपरेंट वेट ऐड होता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहेंगी जिसमें अपरेंट वेट और वेइंग मशीन के क्वेश्चन पूछता रहेगा।